अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन इकराम, अमीर तहरीक के लबैक पाकिस्तान अलामा साद हुसैन रिजवी साहब ने मौजूदा सूरतयाल के ऊपर एक दबंग किस्म का बयान जारी किया है। उनका अपने इस बयान में कहना था कि पाकिस्तान को पीटीआई और पीडीएम जैसे गैर फितरी इतिहाद की कोई ज़रूरत नहीं। मौजूदा हुकूमती इतिहाद भी अलामती साबित होगा। हर महाज पर करप्ट चोरों, डाकुओं, दीन दुश्मन और नाअहल हुक्मरानों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐन से रूगर्दानी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आला अदलिया ने ऐन की हिफाजत यकीनी बनाई। ऐन को पसे पुश्त डालने का बयाना गैर जमहूरी कुवतों का होता है। पहली बार पार्लिमानी जमहूरी तारीख में देखा कि अकलियत ने अक्सरियत को यरगमाल बनाया हुआ था। इमरान खान का ख्याल था कि मुल्क में कोई ऐन और कानून नहीं होगा जो वो चाहेंगे। इक्तदार के पुजारी ने मुल्क में गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करना शुरू कर दिए। उनका मजीद कहना था कि मुल्क की भाग दौड़ नाअहल लोगों के हाथों से निकल कर नाकाबले एतबार लोगों के हाथों में चली गई। बरियों की सियासत के खात्मे से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा, यह कहना था अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान का। इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।